जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वजाहत नज़ीर। और आज जो हम ये फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये 9 वीडियोस की एक कंप्लीट सीरीज हमने रिकॉर्ड की है जो वेब डेवलपमेंट के हवाले से है। मैं बताऊँ, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं या इंडिया में रहते हैं, और अगर आपने कारोबार या तो आप खुद करते हैं या करना चाहते हैं, या आप पढ़ाना चाहते हैं, या आप कोई भी ऑनलाइन बिजनेस करके पैसे कमाना चाहते हैं, वेबसाइट अगर आपके पास नहीं है तो आप जीरो हैं, नंबर वन। नंबर टू, वो लोग जो बिजनेस कर रहे हैं और वो लोग भी वेबसाइट नहीं रखते, मैं उनको बदनसीब कहता हूँ। आप यकीन जाने कि अगर कोई शख्स जो बिजनेस कर रहा हो, चाहे फिजिकल बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस नहीं है, वो चाहे रियल एस्टेट वाला हो, वो चाहे ट्यूटरिंग वाला हो, वो चाहे कोई डॉक्टर हो, वो चाहे कोई इंजीनियर हो, वो चाहे कोई लॉयर हो, अगर उसकी अपनी कोई वेबसाइट नहीं है, बिलीव मी इट्स यूजलेस। वो अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, चाहे वो लाखों क्यों नहीं कमा रहा। ये पार्ट वन है। इस पार्ट वन में हम बताएंगे, क्योंकि कई बार हमारे पास जो क्लाइंट्स आ रहे होते हैं, लास्ट हमारे पास एक क्लाइंट थे जो कल हमारे पास आए, और उन्होंने कोई 5-6 घंटे के बाद जो क्वेश्चंस किए, हमने उन क्वेश्चंस को कवर किया, क्योंकि एज एन एक्सपर्ट आपको पता नहीं चल रहा होता कि लोगों के सवालात क्या हैं। जब कोई लेमैन, वो शख्स जो उस फील्ड का शख्स ना हो, वो जब सवालात पूछता है, तो आपको फिर पता चलता है कि हकीकत में लोगों के सवालात क्या हैं। तो हमने एक कोर्स लॉन्च किया ताकि उससे तकरीबन तमाम पाकिस्तानी हो, इंडियंस हो, जो अपना कारोबार या तो करते हैं या उस कारोबार में बेहतरी लाना चाहते हैं, और हकीकत में वेबसाइट होती क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। namecheap.com, हम यहाँ पे दो वेबसाइट का ना सिर्फ कंपैरिजन करेंगे कि एक तरफ namecheap.com होगी, दूसरी तरफ godaddy.com। उन दोनों को हम बताएंगे कि इन दोनों में से बेहतर वेबसाइट कब कौन सी रहती है, और हमने आज आपको एक प्रैक्टिकली एक डोमेन परचेज करके बताएंगे कि भाई ये डोमेन हमने परचेज की, और उस डोमेन को फिर जो डेवलप किया जाएगा, उसको जो बनाया जाएगा, वो बाकी 9 कोर्सेज जो हमने बताया कि वन फर्स्ट के अंदर हम आपको इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेबसाइट, कि हकीकत में वेबसाइट होती क्या है। तो हम जरा सा आगे चलते हैं। namecheap.com एक वो जगह है जहां पर आप आएंगे, सबसे पहले साइन अप एरिया मौजूद है, आप साइन अप हो जाएंगे। एक अकाउंट आपने namecheap.com पे बनाना है, एक आपने अकाउंट godaddy.com पे बनाना है। आगे चलते हैं, बताते हैं। अच्छा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड प्लान होता है। अच्छा, हमने जब ये वीडियो अपलोड हम कर रहे हैं, तो ये वीडियो जो हमने बनाई है, ये एक खास टेक्निक से बना रहे होते हैं, तो कुछ जो इमेजेस हैं वो आगे पीछे हुए हैं, बट इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको जो बेसिक आइडिया है वो आप तक पहुंच जाए। लोग डोमेन नेम जब लेने आते हैं हमारे पास, तो कल साहब आए, उन्होंने कहा मुझे सबसे पहला जो नाम चाहिए वो publicaffairs.com का चाहिए। अच्छा, हम इस वक्त 2019 में मौजूद हैं, और 2019 जनवरी, सॉरी, फोर्थ अप्रैल पे खड़े होकर उन्होंने बात की कि मुझे जो डोमेन नेम है वो publicaffairs.com खरीदना है। मैं आपको बताऊं, जितने भी नाम आपके जहन में डॉट कॉम के हवाले से, डॉट कॉम कम्युनिकेशन के लिए स्टैंड करता है, हकीकत में वेबसाइट कर ये होती है कि वेबसाइट होती क्या है। सबसे पहले आप जब भी देखेंगे तो वेबसाइट पे लिखा हुआ है www, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी आपकी वेबसाइट हकीकत में अगर पूरी दुनिया में एक जाला वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी पूरी दुनिया में अगर एक जाला क्रिएट नहीं कर पा रही, तो वो वेबसाइट का होना या ना होना एक ही बराबर है। अच्छा, कीवर्ड आइडियाज होते क्या हैं? गूगल एडवर्ड कीवर्ड आइडियाज के बगैर जो भी वेब डेवलपमेंट वाले आपको वेब डेवलपमेंट या तो डिजाइन करके दे रहे हैं, या आपको ये मशवरा दे रहे हैं कि आप फला नाम रख लें, फला नाम रख लें, विदाउट कीपिंग द कीवर्ड, विदाउट कीवर्ड आइडियाज आप कभी भी जिंदगी में डोमेन ना परचेज करें। यानी अगर हमने डोमेन परचेज करनी है, तो हमारे पास कीवर्ड प्लान, कीवर्ड आइडियाज होने चाहिए। उन कीवर्ड आइडियाज के बगैर वेबसाइट को डेवलप करना बिल्कुल बेकार है। अच्छा जी, अब यहां आप देखें तो हमारे पास जो कीवर्ड आइडियाज है, एक पाकिस्तानी ड्रेसेस और दूसरा इंडियन एक्टर्स के हवाले से हमने लिखा है। पाकिस्तानी
पाकिस्तानी ड्रेसेस को तकरीबन 10,000 से लेके 100,000 के करीब लोग दुनिया में पर मंथ बेसिस पे, यहाँ पे लोकेशन पाकिस्तान रखी गई है और इंडियन एक्टर्स को भी पाकिस्तान में बताया जा रहा है, तो 1,000 से 10,000 उसके व्यूज हैं। लोकेशन अगर आप देखें यहाँ पर, इसको स्टिल करके इमेज को एक बार स्टडी करना है। स्टिल करने के बाद आप स्टडी करेंगे कि हकीकत में यहाँ पर क्या क्या बताया जा रहा है, तो आप समझ पाएंगे कि पाकिस्तानी ड्रेसेस को सर्च करने वाले तकरीबन 100,000 लोग हैं पर मंथ बेसिस पे, और इंडियन एक्टर्स को सर्च करने वाले 10,000 लोग हैं पर मंथ बेसिस पे। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि ये पर मंथ बेसिस पे सर्च हो रहा है, यानी डोमेन नेम रखते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि हकीकत में लोग सर्चिंग क्या कर रहे होते हैं। अगर आपने कोई एक्स वाई जी डोमेन सब्स्टिट्यूट एक्स वाई जी कोई भी नाम रखना है तो आप जरूर रखें, बट वो नाम कभी भी एक सक्सेसफुल बिजनेस को रन करने में या एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने में मददगार साबित नहीं होगा। तो कीवर्ड प्लान के अंदर आप खुद जाएंगे, सर्च करेंगे कि किस तरह से कीवर्ड प्लान देखा जा रहा होता है, वो चीज जो सर्च हो रही होगी वही आप डोमेन नेम लेंगे। अभी हम आगे चल के मजीद इसको एक्सप्लेन करते हैं। इंडियन एक्टर्स इज अवेलेबल। अच्छा, कई बार डोमेन नेम लोग बड़े हैरान हो जाते हैं कि डोमेन नेम, लोगों को लगता है कि डोमेन नेम सिर्फ और सिर्फ $8, $9, $10, $20 में मिल रहा होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जरा देखिए आप indianactors.com खुद भी सर्च कीजिएगा, गो डैडी पे अवेलेबल है ये पाकिस्तानी रुपीज में, क्योंकि मैंने पाकिस्तान से बैठ के वीडियो बनाई है, मैंने पाकिस्तान से बैठ के सर्च किया है। तो जरा सा आप देखें कि indianactors.com अवेलेबल है, बट कितने रुपीज में अवेलेबल है? 45,95,588 रुपीज में अवेलेबल है। इसको यहां पर ये बात समझने की जरूरत है कि हम लोग आज अगर ये वीडियो देख रहे हैं और अब भी अगर हम डोमेन नेम बाय नहीं करते, तो जो हमारे जहन में डोमेन नेम है और वो गो डैडी पर अवेलेबल भी है, और वो कीवर्ड प्लानर, ये जो मैंने बताया कि कीवर्ड प्लानर में जाके फ्री रिसोर्स है, ये डोमेन नेम का सर्च करना और कीवर्ड प्लान आइडियाज को गूगल से देखना, ये फ्री रिसोर्स है। इसके लिए किसी भी कार्ड की जरूरत नहीं है, किसी भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है। तब भी अगर आप ये कीवर्ड प्लानर को देखते नहीं है, और उसके बाद अगर कहीं आपका नाम डॉट कॉम पे जो सर्च भी हो रहा है दुनिया में 10,000 1,000 के करीब भी अगर सर्चेज हैं और आप उसको बाय नहीं करते, अगेन मैं आपको बताऊं, आप अपने काम पर, अपने कारोबार पर, खुद पर जुल्म करते हैं, और फिर कोई और उस डोमेन नेम को परचेज करके बैठ जाएगा और आप बाकी जिंदगी सिर्फ बैठ के देखेंगे कि आज की तारीख में 45,95,000 रुपीज का डोमेन नेम अवेलेबल है। इंडियन कार को आप देखें, ये एक और वर्ड है जो दुनिया में सर्च किया जाता होगा, जिसकी सर्चिंग जो है वो आराम से 10,000 के ऊपर पाई जाएगी, और वो 14,14,027 में गो डैडी पे अवेलेबल है। तो आप गो डैडी डॉट कॉम में, तो अगर आप लॉग इन भी नहीं होते ना, आप साइन अप भी नहीं होते, तो विदाउट साइन अप विदाउट लॉग इन आप गो डैडी डॉट कॉम पे डोमेन सर्च कर सकते हैं, और वो आपको डोमेन नेम बताना शुरू कर देगा कि वेदर ये डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं है। तो indiancars.com 14,14,000 रुपीज में अवेलेबल है, बट वही वाली बात कि फर्स्ट टाइम जब ये डोमेन नेम बाय किया गया होगा तो कितने में बाय किया होगा? 8.88 या $10 में इसको बाय किया होगा, और अब उन्होंने फॉर सेल, यानी यहां बताने का मकसद कि डोमेन नेम का अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस है और हम भी उस बिजनेस का हिस्सा हैं, और हम भी डोमेन्स को लेकर डेवलप करके बेचते हैं और लाखों रुपए में बेचते हैं। आगे चलते हैं, पाकिस्तानी ड्रेसेस इंडियन कार कराची ट्यूटर्स का जिक्र आ गया है। पाकिस्तानी ड्रेसेस की जो सर्चेज हैं तकरीबन तकरीबन वो 100,000 के करीब पाकिस्तानी ड्रेसेस की सर्चेज हैं। इंडियन कार 1,000, ये इंडियन कार जो है जो सर्च हो रही हैं, दैट इज सर्च फ्रॉम पाकिस्तान। कराची ट्यूटर्स की जो सर्चेज हैं वो अराउंड 1,000 लोग जो सर्च कर रहे हैं वो कराची ट्यूटर्स को सर्च कर रहे हैं। ठीक है, ये सर्चेज
कीवर्ड प्लानर से चेक की जा सकती है। क्लियर? अच्छा, ये यहाँ पर एक और क्वेश्चन जब उन्होंने मुझसे पूछा, जो हमारे पास आए थे, उन्होंने पूछा कि क्या कोई शख्स एक से ज्यादा डोमेन लेता है तो क्या इस पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन है? नहीं जी, इसमें कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। आप जितनी चाहे डोमेन नेम्स बाय कर सकते हैं, इसमें कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती है। डोमेन नेम पर आप जितनी चाहे डोमेन बाय कर सकते हैं, कोई इसमें लिमिट इन्वॉल्व नहीं है। आप जहां तक चाहें वो डोमेन नेम आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये तकरीबन 78 डोमेन्स मैंने गो डैडी पर बाय की हुई हैं। आप बड़ी आसानी से जितनी चाहें डोमेन बाय करें, बट पहले तो बात आ रही है कि आप एक डोमेन तो बाय करें। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं, या आपको लगता है कि आप किसी और बिजनेस को प्रमोट करेंगे और उनको अगर क्लाइंट्स की लीड देते हैं, तो भी आपको एक डोमेन नेम बाय करना चाहिए। और बाइंग अ डोमेन नेम इज वेरी चीप। यहाँ पर अभी हम बाइंग करते हुए दिखाएंगे कि किस तरह से आप डोमेन नेम सेलेक्ट करेंगे। पहले तो मैंने बता दिया कि कीवर्ड प्लानर को देखकर आप डिसाइड करेंगे वेदर टू बाय विच नेम। अगर जैसे मैं आज की तारीख में वजाहत नजीर एक डोमेन नेम सोचूं, बड़ी आसानी से अवेलेबल होगा, बट वो मुझे बिजनेस नहीं दे पाएगा, क्योंकि मैं कोई एक्टर नहीं हूं जिसको लोग सर्च करें बैठ के। तो लोग जो सर्च करेंगे वो कराची ट्यूटर्स, दिल्ली ट्यूटर्स, मैरिज ब्यूरो इन मुंबई, मुंबई ट्यूटर्स, अहमदाबाद ट्यूटर्स, अहमदाबाद रियल इस्टेट, अहमदाबाद कार शोरूम, मतलब कहने का जो चीज़ें आप पहले चेक करेंगे कि दुनिया में चेक सर्च क्या हो रहा है, और फिर उस सर्चेज की बुनियाद पर डोमेन नेम लिया जाएगा। क्लियर? यानी विदाउट कंसल्टिंग, विदाउट कंसल्टेशन SEO एक्सपर्ट। मैं हैरान हो जाता हूँ, लोग पूरे पूरे नाम परचेज कर लेते हैं और उन्हें मालूम ही नहीं होता कि डोमेन नेम कितना अहम किरदार अदा करता है बिजनेस में। और अभी हम दिखाएंगे कि डोमेन नेम कराची ट्यूटर्स डॉट कॉम, ये हम पीछे बताएं ना, ये यहाँ लिखा हुआ है कराची ट्यूटर्स डॉट कॉम। मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा, कराची ट्यूटर्स डॉट कॉम हमने तकरीबन 2015 में $8.88 का लिया था, और हमने उसको 2017 में अराउंड मिनिमम, मैं आपको बताऊं, $3,000 का सेल किया। उसको हमने लिया, उसको डेवलप किया, एक उसके साथ नंबर प्रमोट किया, और जब वो डेवलप हो गया, मैं आगे दिखाऊंगा कि वो बड़ी आसानी से $3,000 का आज की तारीख में मिस्टर नुमान उसको होल्ड करते हैं। वो आगे हम बताएंगे, उनका नंबर देंगे ताकि आप उन्हें कॉल करें और उन्हें बोले कि लाइन जी हमें भेज दें, तो आपको बताएंगे कि व्हाट इज दी वर्थ ऑफ कराची ट्यूटर्स। वरना यहाँ वर्थ आपको खुद भी दिख रही है, ये इंडियन कार 14,14,027 में लगा हुआ है। आगे चलते हैं, ये आ गई कराची ट्यूटर्स डॉट कॉम, ये उनका नंबर है। पाकिस्तान में वो होते हैं कराची में, तो कराची ट्यूटर्स डॉट कॉम के हम ओनर थे। और फिर बाद में इस वेबसाइट को प्रमोट करने के बाद, जब वो डेवलप हो जाती है, जब वो प्रमोट हो जाती है गूगल पे, तो हमने यहाँ पे मिस्टर नुमान का नंबर लिखा हुआ है 0300-707-1848, तो हमने उनको सेल कर दी और आज वो उसके ओनर हैं। और ये तकरीबन $3,000 में 2017 में हमने इसको सेल कर दिया था। आगे चलते हैं, ये देखें जी, इसकी वजह मेनली जो बुनियादी वजह है वो ये वजह है कि जब आप गूगल पे होम ट्यूटर इन कराची लिखेंगे, तो मैप्स के बाद अराउंड फोर्थ नंबर पर आपको कराची ट्यूटर्स डॉट कॉम दिखाई देगी। तो दिस इज द रीजन जिसकी बुनियाद पे कराची ट्यूटर्स डॉट कॉम को सेल किया गया। ठीक है, अच्छा, ये एक और हमने कुछ कीवर्ड लिखे हैं, गुजराती मैट्रिमोनी लिखा आपको समझाने के लिए, देन दुबई रियल एस्टेट लिखा, और सेकंड शादी। गुजराती मैट्रिमोनी की सर्चेस तकरीबन 10,000 है, इसी तरह सेकंड शादी की सर्चेज 1K से 10,000 है, वो थोड़ा सा वहाँ पे छुप गया, बट ये दुबई रियल एस्टेट को सर्च करने वाली जो आज की तारीख में टोटल सर्चेज है 100,000, 1,00,000 के करीब लोग हैं जो दुबई रियल एस्टेट को सर्च करते हैं। तो इसको जरा सा मजीद देखें दुबई रियल एस्टेट को, जबकि दुबई रियल एस्टेट डॉट कॉम आज की तारीख में कोई वेबसाइट नहीं है, ये सिर्फ उन्होंने बना के छोड़ा हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है क्लिक टू बाय दुबई रियल एस्टेट डॉट कॉम। $1,000, तो मैं अभी आपको इसको बिट करके दे रहा हूं कि आप जब चाहें $1,000 में दुबई रियल एस्टेट डॉट कॉम को मुझे बिकवा दें। तो इससे आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस
यानी वो आपको जूते मार के भगाएगा अगर आपने 1000 US डॉलर का रेट उसको लगाया, क्योंकि उसकी सर्चेज 1,00,000 लोग दुबई रियल इस्टेट को सर्च करते हैं, तो सबसे पहले गूगल जो प्रायोरिटी देगा, जबकि डोमेन एक्सटेंशन .com के अलावा .org है, .net है, .co.uk है, .in है, .pk है, यानी कुछ इलाकाई के हैं, कुछ मुल्कों के हिसाब से, कुछ .london है, कुछ .sydney है, यानी शहरों के हिसाब से भी जो डोमेन की एक्सटेंशन कहते हैं हम इसको, ये एक्सटेंशन चल रही होती है या कुछ मुल्कों के हिसाब से चल रही होती है, जैसे इंडिया में .co.in है या .in जो है वो इंडियन है, .pk जो है वो पाकिस्तानी डोमेन है, dubairealestate.com। बट जो गूगल की दुनिया में अहमियत है, जो गूगल की दुनिया में अहमियत है वो .com की है। गूगल जो प्रायोरिटी देता है, गूगल जो ऊपर रखता है डोमेन को, वो .com को रखता है, ठीक है। तो dubairealestate.com को जब आप चाहें 1000 US डॉलर की तरफ से मेरी तरफ से बिड कर दें, जिसके पास भी डोमेन है मुझे दिलवा दीजिए, ठीक है। ये मिनिमम मैं बताऊंगा नहीं आपको कि कितने रुपयों की डोमेन है, तो समझेंगे आप कि आपने अपने नामों को नहीं, आपने सलमान वाला .com नहीं, आपने अर्जुन रियल इस्टेट नहीं, बल्कि आपने मुंबई में चलानी है तो mumbairealestate.com चलानी है, आपने दिल्ली में चलानी है तो दिल्ली रियल इस्टेट चलानी है, आपने दिल्ली में कोई कैटरिंग खोलना है तो दिल्ली कैटरिंग आप खोलेंगे तो वो आपको बिजनेस लेकर देगा। अहमदाबाद के अंदर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो नाम अहमदाबाद भी उसमें होना चाहिए, फिर आपका नाम जो काम का नाम है वो उसमें हो। यहाँ लोग सेल्फ प्रमोशन पे उतर आते हैं, सेल्फ प्रमोशन इज नॉट द प्रमोशन ऑफ अ वेबसाइट, तो ये समझेंगे आप कि dubairealestate.com। तो यहाँ पे अभी हम शुरू में आपको पहले नामों की सिलेक्शन बता रहे हैं, फिर एक नाम सेलेक्ट किया जाएगा और फिर उसको हम आपको बाय करके बताएंगे कि किस तरह से बाइंग हो रही है। वरना कई बार लोग आते हैं वो समझते हैं कि पता नहीं कितना कोई महंगा काम है डेवलपमेंट, नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, वेब डेवलपमेंट कोई एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है। आप अगर इसको एक बार सीख लेते हैं, हमारी 9 वीडियोस आपके पास होंगी, आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट बन जाएंगे और समझेंगे कि डिजाइनिंग इज नॉट इंटेग्रल, कोई डिजाइनिंग इंपॉर्टेंस नहीं है। अभी हम एक आगे वेबसाइट का डाइसेक्शन करेंगे, उसमें आपको समझाएंगे क्या हुआ है, बड़ा मजे का वो सीन है। ये हो गया GoDaddy.com। तो एक तरफ से तो हमने बताया कि आप Namecheap.com पे सर्च कर सकते हैं, दूसरी तरफ ये प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद है, GoDaddy.com पे आप जाएं और जब भी आपको कोई डोमेन नेम समझ में आए आप सिंपली GoDaddy.com पे जाके सर्च कर लें, क्विकली आपको वो इसका रिजल्ट दे देगा, और अगर वो सेल पर लगी हुई होगी तो सेलिंग अमाउंट के साथ आपको बता दिया जाएगा कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ दैट वेबसाइट। बट मैं आपको बताऊं, जब भी हम डोमेन आप हमारे साथ बैठ के खरीदेंगे, वी विल बाय अ डोमेन ऑफ 8.88 US डॉलर और फिर उसको डेवलप करके लाखों का बनाएंगे, ना कि हम ऑलरेडी किसी की लाखों रुपए की डोमेन ले लें, वो यूजलेस हो जाएगी आपके लिए। आपने सिर्फ इस वक्त ये सोचना है कि आपने डोमेन नेम लेना है ताकि जिंदगी में अगर आपने कोई सक्सेसफुल बिजनेस करना है तो वो डोमेन नेम की बुनियाद पर हो सकता है, विदाउट टेकिंग डोमेन आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ठीक है। आगे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको बताऊं, ये पहला हम जो दिखाना है इसके अंदर वो मैं, ये मैंने जो बताना था वो हम आगे चले गए, हमें आगे नहीं जाना चाहिए, हम वापस अगर आ जाएं तो ये कीवर्ड प्लानर में आपने सबसे पहले जो देखना है वो, अगर आपने डिवोर्स लॉयर सिंगापुर गूगल एडवर्ड कीवर्ड टूल्स में लिखकर देखा तो डिवोर्स लॉयर सिंगापुर की जो सर्चेज हैं, ये अगर आप समझ गए ना कि डिवोर्स लॉयर सिंगापुर .com की हम डाइसेक्शन कर रहे हैं, अगर आपने हमारी इस बात को समझ लिया तो आप डोमेन नेम की इंपॉर्टेंस को समझ जाएंगे कि हकीकत में आपका डोमेन नेम ही आपके लिए बिजनेस लेकर आ रहा होता है। अगर आपने सही डोमेन नेम बाय कर लिया तो क्विकली आप बिजनेस की दुनिया में फ्लरिश कर जाएंगे। मेरे पास लोग कभी इंडिया से, कभी दुबई से, कभी यूके यूएसए से कॉन्टैक्ट करते हैं कि हमने लाखों रुपए देके वेबसाइट बनवाई और वो यूजलेस साबित हुई, वो बिजनेस लाके नहीं दे रही। उसकी वजह होती है कि वो खूबसूरती पे जा रहे होते हैं, वो कहते हैं हमारी वेबसाइट बहुत ही खूबसूरत दिखनी चाहिए, और वहीं से जो वेब डेवलपर है वो उनकी ख्वाहिशात को समझ जाता है, और हकीकत में वो बेचारा भी सिर्फ और सिर्फ एक डिजाइनर होता है, ना वो ऑप्टिमाइजर होता है, ना वो डेवलपर होता है,
वो एक अच्छी सी जैसी वो चाह रहे होते हैं उनकी तमाम बातों को ये बताए बगैर कि आप अगर एक अच्छी वेबसाइट बनाते हैं अगर उस पर क्लाइंट ही नहीं आ रहा तो किस काम की। तो वो $2,000-3,000 लगाने के बाद उस बात पे पहुंचते हैं और फिर हमसे रब्ता करते हैं कि आप हम क्या बताएं। आप कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए, तो हम भी कहते हैं कि हमारे पास अगर आपके पास पैसे देने के लिए नहीं है तो हमारे पास काम करने के लिए और क्लाइंट्स बहुत हैं। आपने उस वक्त किसी के हाथों बेवकूफ़ बनना कहें या खूबसूरती डिवोर्स लॉयर डॉट सिंगापुर को समझ जाएं, 10,000 इसकी सर्चिज हैं। ये जिसकी वेबसाइट है वो इंतहाई लकी इंसान है। क्यों लकी है? उसने कुछ भी नहीं किया। ये हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देखें कॉल अस फॉर एन अपॉइंटमेंट, इसको आप विजिट भी कीजिएगा, डिवोर्स लॉयर सिंगापुर को आप विजिट कीजिएगा। 10,000 के करीब इसकी सर्चिज थी, यानी इसका मतलब उसने वो 10,000 सर्चिज से फायदा उठाया और उसने डिवोर्स लॉयर सिंगापुर डॉट कॉम को दो पेजेस पे, कितने पेजेस पे ये सामने मैं आपको दिखाऊंगा, दो पेजेस पे सिर्फ ये एक तस्वीर लगाई, ऊपर लिखा डिवोर्स लॉयर सिंगापुर डॉट कॉम लीगल एडवाइस ऑन डिवोर्स, साथ में कॉल अस फॉर एन अपॉइंटमेंट, नीचे नंबर लिखा हुआ था, हमने उसको हटा दिया या मिटा दिया ताकि उन्हें कोई ऑब्जेक्शन ना हो। सिंपली आप इसको एक बार विजिट करें, आप हैरान हो जाएंगे कि इस वेबसाइट में है क्या। बट अगेन कि अगर सिर्फ डिवोर्स लॉयर सिंगापुर डॉट कॉम की डोमेन नेम मेरे पास आ जाए, ये दो पेजेस, मैं वही वाली बात है, कोई भी दो पेजेस में दूसरे लगा दूं, यही लगा दूं, आपकी सोच है, जो जितने भी डिवोर्स लॉयर सिंगापुर में बैठे हो वो मेरे पीछे पीछे घूमे केस लेने के लिए, और मिनिमम यानी वहां पे बैठ के करोड़पति होना इस डोमेन के बाद कोई बात ही नहीं है। दैट इज द इंपॉर्टेंट, दैट इज द इंपॉर्टेंट। तो समझे आप डोमेन नेम को कि डिवोर्स लॉयर सिंगापुर की सर्चेस 10,000 इन सिंगापुर। अब जो इस डोमेन को लेगा तो उसके पास क्लाइंट्स मिनिमम जो होंगे 800 से 1500 सर्चेस बनेंगी, क्योंकि गूगल इसको इसके नाम की वजह से जब भी कोई डिवोर्स लॉयर सिंगापुर लिखेगा टॉप पे रखेगा, जब टॉप 10 में रखेगा तो ऑटोमेटिकली टॉप 10 में होने की वजह से मिनिमम मंथली जो सर्चेस इसके ऊपर आएंगी दैट विल बी अराउंड 800 से 900 लोग इस वेबसाइट को विजिट करेंगे। 800 900 में से आप सोच लें 30 विजिट्स पर डे, 30 में से एक कॉल कर ले तो 30 कस्टमर बनते हैं, 30 कस्टमर में से मुश्किल से 5 लोग $1,000 भी देना तो $5,000 इस डिवोर्स लॉयर सिंगापुर की पर मंथ क्या बन रही है, इनकम। इस तरह से आप समझें कि करोड़ों रुपए इंसान इस सिर्फ नेम से बना ले। यकीन नहीं आता तो वही बात है divorcelawyer.com, अगेन मुझे $5,000 में मैं देने को तैयार हूं, मुझे दिलवा दें, आगे चलते हैं। ये पीछे हमेशा सोर्स कोड जरूर देखा करें, व्यू सोर्स लेफ्ट माउस क्लिक, इसका क्लिक होगा तो पीछे आपको दिखाई देगा, सिर्फ उसने पीछे कुछ भी नहीं लिखा, कोई चीज नहीं लिखी गई, सिर्फ डिवोर्स लॉयर सिंगापुर लिख दिया, दैट्स ऑल, गूगल ने इसको उठा लिया। वजह डिवोर्स लॉयर सिंगापुर की सर्चेज कितनी है, 10,000 है, .com पे वो डोमेन है, दैट्स ऑल, कहानी खत्म। ये सामने से आप देखें तो बस एक तस्वीर ये लगाई और कुछ चीजें उन्होंने इस पर लिख दी हैं, बस कोई इसमें डिजाइनिंग नहीं है, सिंपल सिंपल व्हाइट के ऊपर ब्लू से, कहीं व्हाइट के ऊपर ब्लैक से लिख दिया गया और ये वेबसाइट कंप्लीट हो गई। और ये वेबसाइट एक एक्सपेंसिव तरीन वेबसाइट के अंदर खड़ी हुई है। वजह डिवोर्स लॉयर सिंगापुर इज द नेम ऑफ दिस वेबसाइट। तो इसका डोमेन नेम, होस्टिंग और डोमेन में ये फर्क होता है कि अगर ये वेबसाइट डिवेलप नहीं भी की जाए, अगर ये वेबसाइट नहीं भी बनाई जाए तो आज हम आपको डोमेन नेम लेना बताएंगे। होस्टिंग इज डिफरेंट। होस्टिंग क्या है कि कोई चीज, जैसे इंसान का जिस्म आप कह लें कि वो होस्टिंग है, किस चीज को होस्ट कर रहा होता है, वो हमारी रूह को होस्ट कर रहा होता है। इस तरह मोबाइल की एग्जाम्पल ले लें तो मोबाइल होस्ट है और जो सिम है वो डोमेन नेम है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डोमेन नेम और होस्टिंग। तो होस्टिंग आपको बाद में लेनी पड़ती है, आज हम इस वीडियो को सिर्फ डोमेन नेम पे रखा हुआ है कि हाउ टू बाय अ डोमेन नेम, व्हाट इज द बेस्ट डोमेन नेम। तो हम होस्टिंग की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ डोमेन नेम की बात करेंगे कि डोमेन नेम क्या होना चाहिए। और ये पार्ट वन फ्री है, बाकी पार्ट इसीलिए पेड है, एनीथिंग ऑफर्ड इज फ्री इज यूजलेस। तो इसीलिए मजीद पार्ट जब आपको चाहिए होंगे देन यू विल कॉन्टैक्ट मी, यू विल पे मी एंड आई विल सेंड यू द रेस्ट ऑफ द वीडियो। अदरवाइज
पार्ट वन आप कम से कम डोमेन नेम ले लीजिएगा बस, ठीक है आगे चलते हैं। और हाँ, जब डोमेन नेम आप लेंगे तो अपनी आईडी से, आपको कभी भी वेब डेवलपर ये बात नहीं कहेगा कि आपने डोमेन नेम अपनी आईडी से लेनी है। मैं आपको बताऊं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, चाहे वो आपका जानने वाला है, कल को आप अमेरिका चला जाता है कहाँ ढूंढते फिरेंगे अपनी डोमेन नेम को, वो कोशिश करता है कि डोमेन नेम अपने हाथ पे रखे ताकि वो आपसे पर ईयर की बुनियाद पे लाखों रुपए चार्ज कर सके। तो डोमेन नेम हमेशा आप गोडेडी से या namecheap.com से अपना अकाउंट बना के अपना कार्ड चार्ज करके बाय करेंगे। कार्ड नहीं है, कार्ड का बनाना भी हम बताएंगे, स्टिल आपके पास कार्ड अवेलेबल नहीं होगा, वी विल बाय अ डोमेन नेम ऑन योर बिहाफ, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, बट आप ही को उसका ओनर शुरू से रखा जाएगा, आप ही का नेमचीप का अकाउंट होगा या गोडेडी का अकाउंट होगा, उसी पर बाय किया जाएगा। यही हकीकत में वेब डेवलपमेंट का असूल पूरी दुनिया में होना चाहिए। यहाँ पे आपके नाम को अपने अकाउंट में रखकर वो हमेशा के लिए आपको यरगमाल बना लेते हैं। आगे चलें, डिवोर्स लॉयर सिंगापुर की कॉन्टैक्ट का पेज है, क्या किया इसमें, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे इन्होंने लिखा था कि मैसेजेस, सामने जस्टिस की तस्वीर लगाई, ऊपर अगेन वो बात लिख दी डिवोर्स लॉयर सिंगापुर और कहानी खत्म हो गई। दैट्स ऑल, दिस इज द सिंपल वेबसाइट। अब यहाँ पे हम डोमेन नेम सर्च पे आते हैं और कोशिश करेंगे क्विकली हम यहाँ पे डोमेन नेम सर्च करके उसको डोमेन नेम को बाय करना पड़ता है, ठीक है। डोमेन नेम सर्च, namecheap.com पे जाएं, साइन अप करने के बाद मैंने यहाँ पे वजाहत ऑनलाइन से अकाउंट बना लिया था, लेफ्ट टॉप पे आप देखें तो मेरा नाम दिखाई दे रहा है, मैं इस वक्त namecheap.com में एंटर हो चुका हूँ, अपना अकाउंट बना चुका हूँ। जब तक अकाउंट नहीं बना होगा तो वहां पे ऊपर साइन अप, लेफ्ट के ऊपर टॉप पे साइन अप और साइन इन लिखा आएगा, तो मैं साइन इन हो गया। डोमेन नेम सर्च पे हमने क्लिक किया, आगे चलते हैं, यहां से हम सर्चिंग शुरू करेंगे। अच्छा, ये हमने यहां पर गोडैडी के अंदर भी, गोडैडी में भी अपना एक अकाउंट बना लिया और गोडैडी में ये देखें आप शॉप, यहां पे जहां मैंने अभी अपनी पिक्चर हटाई है तो पीछे से शॉप godaddy.com आ गया, यानी यहां तो आप चाहेंगे namecheap.com पे, चाहेंगे तो godaddy.com पे जाके अकाउंट बनाने के बाद एक डोमेन बाय करना आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है। आगे चलते हैं, हमने सबसे पहले लिखा है कि जी yourdomainname.com मैंने लिया और उसको सर्च किया, yourdomainname.com को मैंने जब सर्च करता हूं तो मुझे हैरानी की बात ये लगी कि योर डोमेन नेम, आपका डोमेन नेम का जो डोमेन नेम है वो भी अवेलेबल नहीं था। वो yourdomainname.com, ये GoDaddy की वेबसाइट के ऊपर हम आ गए, यहां पर भी हमने सर्च किया और देखा तो yourdomainname.com इज नॉट अवेलेबल। तो आप इससे समझ सकते हैं कि हम भी इस डोमेन को सर्च करने में कितना लेट हैं, कि जब हम आपका डोमेन नेम हम परचेज करना चाह रहे हैं तो योर डोमेन नेम इज टेकन लिखा हुआ आया और ये टेकन है। तो फिर हमने सोचा कि हमने एग्जांपल देनी है आप लोगों को कि हाउ टू बाय अ डोमेन, तो फिर हमने 1, 2, 3, 4, 5 domainname.com सर्च किया और फौरन से जो हमारे सामने मैसेज आया वो GoDaddy की तरफ से आया कि योर डोमेन नेम इज अवेलेबल, बाय इट बिफोर समवन विल टेक इट, और ये 2.99 $ लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 डोमेन नेम यहाँ पे हमने जब सर्च किया। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे कंटिन्यू टू कार्ट या एड टू कार्ट का बटन ब्लू में मौजूद है, एड टू कार्ट दबाएंगे तो ये डोमेन आपके कार्ट में आ जाएगी, या कंटिन्यू टू कार्ट, कार्ट कहते हैं उस चीज को जो आप शॉपिंग करने जाते हैं तो जो ट्रॉली आपको मिलती है दैट इज नोन एज कार्ट। आगे चलते हैं, तो ये अवेलेबल थी डोमेन, हम उसको चाहते हैं तो हम कंटिन्यू कार्ट के बाद बटन दबाएंगे तो यहाँ पे आप नो थैंक्स कहेंगे, आप कहेंगे मुझे प्राइवेसी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी एक्सप्लेन की जाएगी। प्राइवेसी प्रोटेक्शन ये होती है कि अगर आप डोमेन बाय कर लें तो उसके बाद आपकी इंफॉर्मेशन को कोई देख नहीं पाए। GoDaddy.com प्राइवेसी प्रोटेक्शन के पैसे चार्ज करता है, namecheap.com प्राइवेसी प्रोटेक्शन मुफ्त देता है, तो मैं हमेशा लो बजट के अंदर namecheap.com को सिलेक्ट करता हूं, ठीक है। ये जी हमने टू स्टेप वेरिफिकेशन भी होती है, आपके दोनों में अवेलेबल है, टू स्टेप वेरिफिकेशन GoDaddy में भी अवेलेबल है, टू स्टेप वेरिफिकेशन आपके namecheap में भी अवेलेबल है। होती क्या है, आपके गूगल अकाउंट में भी अवेलेबल होती है, कि अगर आपका यूजर नेम और पासवर्ड किसी को मालूम भी है, अगर किसी को मालूम भी है, कोई जानता भी है,
तो वो लॉगिन जब हो रहा होगा तो आपको पहले कोड आएगा, एक 6-डिजिट कोड, वो 6-डिजिट कोड आप GoDaddy.com में एंटर करेंगे, देन आप उसमें एंटर हो सकते हैं। तो आपका मोबाइल होना अगले के पास ज़रूरी होगा, विदाउट योर मोबाइल कोई एंटर नहीं हो सकता होगा, ठीक है। ये एंटर हो गए। अच्छा, namecheap.com में भी हमने चेक किया था कि 12345 डोमेन नेम .com अवेलेबल है। हाँ जी, 8.88 पर ईयर पे वो अवेलेबल थी। GoDaddy.com पे आप अगर एक साल के लिए लेंगे वो आपको एक्सपेंसिव पड़ता है, दो साल में थोड़ा कम पड़ रहा होता है, जबकि namecheap.com 8.88 पर ईयर पे आपको डोमेन दे रही होती है। अगर आप देखें तो यहाँ पे 8.88 पर ईयर पे डोमेन अवेलेबल है। रिटेल 10.98 भी मिलती है, तो बहुत अच्छा है। 12345 डोमेन नेम आपका अवेलेबल था। ये फिर हमने देखा कि यहाँ पे हमने अगेन वही इमेज है कि 12345 डोमेन नेम अवेलेबल है, हम चाहें तो ऐड टू कार्ट करके इसको आगे परचेज कर सकते हैं। बट हमने ये डोमेन नेम नहीं बल्कि एक और डोमेन नेम सोची कि हम बाकायदा डोमेन नेम बाय करें और फिर आपको उसका दिखाएं, तो आगे चलते हैं। अच्छा, ये 12345 डोमेन नेम हमने सेलेक्ट कर ली तो ये व्यू कार्ट में आ जाएगी। 8.88 को अगर हम सेलेक्ट कर लेंगे तो व्यू कार्ट में आप देखें चेंज हो गया, 9.06 लिखा हुआ आ रहा है। इट मीन्स कि हमने सेलेक्ट कर ली तो वो लिखा हुआ आने शुरू हो गया। 12345 डोमेन नेम आगे अगर जाती तो वो कंफर्म ऑर्डर करके हम परचेज कर सकते थे। अब हमने जो परचेजिंग करनी है पाकिस्तान में, मैं बता देता हूं कि पाकिस्तानी कॉम डेफिनेटली हमें मेनली जो हम काम कर रहे होते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए कर रहे होते हैं, पाकिस्तानी बिजनेसमैन के लिए कर रहे होते हैं, पाकिस्तानियों के लिए कर रहे होते हैं। बट हमेशा मैं कहता हूं कि हमारे दिल इतने छोटे नहीं कि हम इंडियंस को अकोमोडेट ना कर सकें, इंडियंस को गाइड ना कर सकें। हम हमेशा उनको गाइड कर रहे होते हैं, उन्हें बता रहे होते हैं, वेदर दे आर हिंदू वेदर दे आर मुस्लिम, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प देम। अब हम मीज़ान बैंक को हमेशा कहते हैं कि जब भी आप सिंपली, अगर आपका अकाउंट नहीं है CNIC आपके पास मौजूद है, आप मीज़ान बैंक की किसी भी ब्रांच में विजिट करेंगे, वहां पर बेसिक बैंकिंग अकाउंट 500 रुपए में खुल जाता है। कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। जब मैनेजर आपसे पूछे कि जी आपने कौन सा अकाउंट खोलना है तो दे आर बाउंड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। अच्छा जी, तो सिंपल हम बता रहे थे कि मीज़ान बैंक की किसी भी ब्रांच में आप जाएंगे, मैनेजर आपसे तरह तरह के सवाल शुरू कर देगा, क्या करते हैं क्या नहीं करते। आप उसे सिंपल बताएं BBA अकाउंट, बेसिक बैंकिंग अकाउंट कहें या आसान अकाउंट कहें, एवरी बैंक इज बाउंड टू ओपन। पाकिस्तान के जितने कमर्शियल बैंक हैं, जितने इस्लामिक बैंक हैं, वो अल्टीमेटली किसके हेड में आ रहे हैं, वो तमाम के तमाम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हेड में आ रहे हैं। वो आपका अकाउंट खोलने के पाबंद है। और मीज़ान बैंक को सल्यूट कीजिए क्योंकि बहुत कम बैंक हैं। मीज़ान बैंक आपको ऑनलाइन परचेजेस की इजाज़त देता है, इसीलिए आपने अपना अकाउंट मीज़ान बैंक में खोलना है। ये हमारा अकाउंट था वजाहत नदीर के नाम से, 3601.78 रुपये। हम इसमें कम से कम पैसे रखते हैं क्योंकि जब आप अपने कार्ड को ऑनलाइन अटैच करेंगे तो उसमें कई बार ऑटोमेटिकली पैसे कटने के जो इम्कान हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आपने कभी भी अपने कार्ड में पैसे नहीं छोड़ने, अदरवाइज नुकसान उठाएंगे। क्लियर? तो 3601.78 रुपये हमारे पास मौजूद हैं। एंड नाउ वी विल मूव टू बाय अ डोमेन। अब जो हमने सोचा webcourses.com कि हमने जब लोगों को यहां एक्सप्लेन करना ही है तो हम यहां पे 123 webcourses.com, मैंने GoDaddy पे पहले मैं गया, GoDaddy में लॉग इन हुआ, GoDaddy में मैंने सर्च किया 123webcourses.com और तलाश करना शुरू किया कि whether the domain name is available or not, क्योंकि ये जो 123webcourses.com अब बनाई जाएगी इसी से हम आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे, इसी को ऑप्टिमाइज करेंगे, इसी को डेवलप करेंगे। और मैंने बता दिया कि खूबसूरत वेबसाइट बनाने से बेहतर जिस पे कोई नहीं आए, आपने हमेशा ऑप्टिमाइज्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसमें हम ना सिर्फ आपको डेवलपमेंट बताएंगे, क्लाइंट्स कैसे आने हैं वो बताएंगे। अगर आप वही वाली बात है, एक बहुत खूबसूरत लड़की को आप बारे में आप सोचें कि बहुत खूबसूरत है, वो बोल नहीं सकती, क्या फायदा। दूसरी तरफ आप ये सोचें कि एक माथी के ऊपर कितना भी आप वो लगा दें, क्या कहते हैं, डिजाइनिंग जिसको आप कर रहे होते हैं, एक बेकार सा नाम लिया गया है, उस पर डिजाइनिंग आप करवा रहे हैं, उस पर पैसा खर्च कर रहे हैं, अल्टीमेटली विजिटर ही नहीं आना,
तो फ़ायदा क्या हुआ। बट ये कभी भी आपको वेब डेवलपर नहीं बताएगा उसको ऑप्टिमाइजेशन आती नहीं है, तो वो हमेशा ये कहेगा नहीं जी आपकी वेबसाइट खूबसूरत होनी चाहिए, मैंने इसीलिए आपको दिखा दी karachitutors.com और ये डिवोर्स लॉयर सिंगापुर दो पेज की वेबसाइट है, 10,000 उसके नाम की सर्चेज हैं, जिसको मिल जाए वो लाखों में खेलेगा। 123webcourses.com हमने सोचा कि एक क्विकली एक वेबसाइट ये अवेलेबल थी जी, ये हमने जब ये हमने बाय की है, बाय कैसे की है उसका प्रोसीजर भी हम दिखा रहे हैं। और ये जो बाकी पार्ट थे वो इसीलिए कि फ्री में तो मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि मेरे पास हर वक्त हर दिन 5 से 6 कॉलें आती हैं कि जी फला पार्ट कहाँ रह गया फला पार्ट। तो अब हमने इसीलिए कि पैसा कमाने के लिए पैसा खर्च करना ज़रूरी है, तो ना कि मैं वो कॉल्स मेरे पास आती रहें और लोग ये सोचें नहीं, अगर आप हकीकत में कमाना चाहते हैं तो वेबसाइट डेवलपमेंट सीखनी है, वेबसाइट डेवलप करनी है। और अब हमें सिंपल वही वाली बात है कि कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, पर्सनली हम वेबसाइट डेवलपमेंट करवा रहे थे बट साथ में फॉर द बेटरमेंट ऑफ एवरीवन, कोई दुनिया में कहीं पर भी रह रहा है वो वहीं बैठे यहां से सीखे, अपनी वेबसाइट डेवलप करे, ऑप्टिमाइज करे, बिजनेस करे, कमाए, खुद भी खाए और हमें भी उसका शेयर दुआओं के अलावा वो शेयर मॉनेटरी बेनिफिट भी देना शुरू करे। ठीक है, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव बना। अदरवाइज हर वक्त 4 फरमाइशें आ रही होती हैं, इट्स वेरी हार्ड टू फुलफिल ऑल दी फरमाइश। 123 webcourses.com हमने ये देखा, ये 2.99 यहाँ लिखा हुआ था, बट ये 2.99 की कभी ली नहीं जा सकती। फर्स्ट टाइम में GoDaddy आपको जो पहली डोमेन खरीद रहा होता है उसमें डिस्काउंट कर देता है, बट हमने ऑलरेडी कोई 78 डोमेन हमारी GoDaddy पर है, मोर देन 80 वेबसाइट्स हमारी namecheap.com पर है। इट्स कम्प्लीटली लीगल टू बाय एज मैनी डोमेन एज यू वॉन्ट, कोई इसमें लीगल ऑब्लिगेशन किसी भी कंट्री की तरफ से आप पर नहीं होती। ये देखें जी, यहाँ दो कार्ड अटैच थे, एक कार्ड एंड हो रहा था 6432 से, एक कार्ड एंड हो रहा था 5409 से, दो कार्ड हमारे अटैच थे। 123 ये डोमेन अवेलेबल थी, अगर मैं चाहता तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करता, कंप्लीट परचेजेस नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये लास्ट वाला देखें समझ जाएंगे कि यहाँ पे हमारा आइटम अवेलेबल हुआ, हमने कार्ड ऑलरेडी अटैच किया हुआ था, आप भी अटैच कर लेंगे। कहीं पर पाकिस्तान में रहने वालों को प्रॉब्लम आएगी तो उस पर कोई नहीं है, बैंक ट्रांसफर अमाउंट करवाते हैं और उनको डोमेन नेम उसी कॉस्ट टू कॉस्ट परचेज करके दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो कोई उसमें मुश्किल से आज जो हमने डोमेन परचेज की, आज डॉलर का रेट फ्लक्चुएट कर रहा होता है, 1400 पाकिस्तानी की आज हमने .com डोमेन परचेज की। तो डोमेन नेम अपने अकाउंट से परचेज करना बहुत जरूरी है। तो ये फिर कंप्लीट परचेजेस आप करते हैं, अगर हम क्लिक करते हैं $12.17 करते और 123 webcourses.com हमारी हो जाती, बट हमने क्या किया, हमने 123 webcourses को सर्च किया namecheap.com पे। मैं पर्सनली namecheap.com में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ कि विदाउट पेइंग सिंगल पेनी, एक ज़माने में मुश्किल में था। ये जो वेबसाइट पे मुख्तलिफ तस्वीरें लगाई जाती हैं अंग्रेजों की, अंग्रेज लड़के लड़कियों की, आप यकीन जाने विदाउट परमिशन कभी किसी की तस्वीर वेब डेवलपर को भी बताएं कि ना लगाए, ना आप कभी हमें लगाने को कहें। वजह ये कॉपीराइट्स का जब मसला आता है तो एक बॉडी है ICANN, वो एक कंप्लेन ICANN में होती है और आपकी वेबसाइट ब्लॉक करके बंद कर दी जाती है। तो हमारी तो एक बार के बाद बंद हुई, हम ओरिजिनल पिक्स चाहे उनकी क्वालिटी अच्छी हो लगे बुरी लगे, ओरिजिनल पिक्स ही गूगल रिकमेंड करता है और हकीकत में जो ऑप्टिमाइजेशन है वो ओरिजिनल पिक्स पे ही होती है। तो ये 123 webcourses.com हमने सर्च की नेमचीप पे, ये स्टेप वेरिफिकेशन फिर आ गया। अच्छा जी, 123 webcourses.com यहाँ पे namecheap.com पे अवेलेबल आई, एड टू कार्ट का हमने बटन दबाना है। अभी व्यू कार्ट पे 00 का अमाउंट था, जैसे ही आप एड टू कार्ट का बटन दबाएंगे तो आपकी कार्ड तैयार हो जाएगी। व्यू कार्ड में आप देखें 9.06, स्टिल करके भी देखना चाहें तो देखेंगे यहाँ पे 9.06 है, इससे पहले वाले में 0.00 है। तो जब तक आप इस ग्रीन बटन को क्लिक नहीं करेंगे जो ऐड टू कार्ड का है, तब तक ये आपकी कार्ड तैयार नहीं होगी और ये कुछ ऐसे दिखाई देगी, वेब होस्टिंग पॉजिटिव SSL प्राइवेट ईमेल ये लिखा हुआ होगा, व्यू कार्ड 9.06 मौजूद थी। इसको हमने मज़ीद जब
आगे व्यू कार्ड किया तो कंफर्म ऑर्डर का बटन आ रहा है यहाँ पे 123 वेब कोर्सेज लिखा है, 1 ईयर के लिए हमने इसको सेलेक्ट किया। हु इज गार्ड यहाँ पे फ्री मिल रहा होता है कि हमारी इंफॉर्मेशन namecheap.com विदाउट टेकिंग एक्स्ट्रा मनी, GoDaddy.com पे आपको $9.99 वो एक्स्ट्रा चार्ज करता है तब आपको हु इज गार्ड देता है। हु इज गार्ड ये होता है कि इस डोमेन का ओनर कौन है। यहाँ पर आपको namecheap.com में वो चीज़ फ्री ऑफर की जा रही होती है। कंफर्म ऑर्डर का हमने फिर बटन दबाना है, हमने कंफर्म ऑर्डर का बटन दबाया। कंफर्म ऑर्डर के बटन दबाने से पहले मीजान बैंक के डेबिट कार्ड का ऑप्शन जो होता है, तो कार्ड हमें चाहिए होता है, कार्ड हमने मीजान बैंक का जो डेबिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं डेबिट कार्ड है। मजे की बात यह है कि मीजान बैंक का ये डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड नहीं है। अदरवाइज क्रेडिट कार्ड बनवाने आप जाएं तो उसकी रिक्वायरमेंट ही बहुत अलग होती है। मीजान बैंक आपको ₹500 आपसे अकाउंट खुलवाने के लेगा, उसके बाद 600, 300, 400 किसी भी अमाउंट के कार्ड मौजूद हैं वो आप बनवा लें। कहीं पे किसी शहर में प्रॉब्लम आए मीजान बैंक का अकाउंट खुलवाने में ज़रूर हमें बताइए, अदरवाइज सिंपली आप हमें कहेंगे, हम आपके बिहाफ पे आपको डोमेन परचेज करके दे देंगे। ठीक है, कोशिश करें ये अकाउंट, अगर आपने ज़िंदगी में तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, तो आपके पास एक ऑनलाइन परचेज के लिए कार्ड होना चाहिए। अदरवाइज बिलीव मी यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग योर मनी, यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी। आप और मरूब होना छोड़ दें, लोगों से मुतासिर होना छोड़ दें। मैं देखता हूँ कई बार जो मोटिवेटर हैं, जो लोगों को सिर्फ कोई चीज़ नहीं दे रहे, कोई हकीकत में कोई बात नहीं बता रहे, सिर्फ वो वाली बात है कि सिर्फ बातें कर रहे हैं, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं दिखा रहे और लोग एंड पे उनकी शक्लें देख रहे हैं। कामयाबी का रास्ता काम से गुजरता है, कामयाबी आप काम लिखे बगैर कभी हासिल ही नहीं कर सकते। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि लोगों की बातें नहीं सुननी, लोगों से मरूब नहीं होना, आपने काम करना है, कामयाबी खुद आ जाएगी। ये कार्ड सक्सेसफुल होता है यहाँ पे, फिर उसकी रजिस्ट्रेशन के बाद कंफर्म ऑर्डर का आप वहां से हमने उसको एक्टिवेट किया। डीएक्टिवेट हम इसलिए रखते हैं मीजान बैंक को कि ताकि जब हम उसको एक्टिवेट करें तो वो अवेलेबल हो और कार्ड बगैर एक्टिवेशन के चार्ज ना हो। कंफर्म ऑर्डर का बटन दबाएंगे, ये उन्होंने फिर पूछा, हमने सिक्योर कार्ड पेमेंट की बात की, वजाहत नजीर का कार्ड अटैच था, पीछे जहां रेड लाइन आई हुई है वहां पे वो नंबर लिखे हुए थे। कंटिन्यू का बटन दबाया जाएगा, जैसे ही कंटिन्यू का बटन दबाया जाएगा तो डोमेन परचेज हो जाएगी। ये सिंपल कि पे नाउ का आया, हमने क्या किया, कंटिन्यू का बटन दबाया, कंटिन्यू के बाद पे नाउ की स्क्रीन आई। जैसे ही हमने पे नाउ की स्क्रीन दबाई है ये प्रोसेसिंग होना शुरू हो गई, यहाँ पे ऑर्डर सेंड फॉर प्रोसेसिंग, तो उसने ऑर्डर को प्रोसेस किया और वो अल्टीमेटली ये थैंक्स फॉर योर परचेज का हमारे पास मैसेज आ गया। तो इस तरह से आपकी डोमेन परचेज हो जाएगी। आज की हमारी वीडियो इसी से मुतालिक थी कि किस तरह से आप डोमेन नेम परचेज कर सकते हैं। हमने namecheap.com पे परचेज किया, उसकी वजह हु इज डिटेल्स, हु इज डिटेल्स यानी किसने परचेज किया, वो उसको हाइड रखता है, वो उसको छुपा के रखता है, वो बताता नहीं है कि हु इज डिटेल्स का ओनर कौन है। तो 123 webcourses.com का ओनर मैं हूँ, ये मैंने आपके साथ वीडियो रिकॉर्डिंग में शेयर किया। अब आगे थोड़ी सी चीज रह गई है, 1 से 2 मिनट में आपके और लूंगा। डैशबोर्ड पे क्लिक करें, namecheap.com पे हम मौजूद हैं, ये यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट है वो आ गई है, ये हमारा जो पार्ट 1 of 9 आ रहा है, 1 part इज फ्री वेब डेवलपमेंट कंप्लीट कोर्स और वीडियो कोर्स $70 में अवेलेबल है कंप्लीट। मैनेज का जब हम बटन दबाएंगे तो कुछ इस तरह से ये डोमेन का वो आ जाएगा, ठीक है, ये डोमेन आएगा 123webcourses.com थे और ये इस वक्त डोमेन पार्क का मैसेज आ रहा है कि इस वक्त डोमेन हमारी पार्क हो गई है। आज हमने 4 अप्रैल को ही परचेज की थी और इसी वीडियो के लिए कि हम लोगों को वीडियो रिकॉर्डिंग के दरमियान ये बता सकें कि हाउ अ डोमेन विल बी परचेज्ड, और ये आपके लिए स्पेशली 123webcourses.com परचेज की गई है ताकि आप लोगों को वेब एक्सपर्ट बनाया जा सके। सिर्फ 1400 पाकिस्तानी रुपीज हमने खर्च किए, अराउंड $8.88 खर्च हुए थे और एक डोमेन नेम परचेज हो गई। होस्टिंग भी इसी तरह बहुत सस्ती होती है, कोई इसमें हाथी घोड़े नहीं लग रहे होते, ये सब बेकार की बातें हैं। आपने वेबसाइट बनाना सीख ली, लाखों रुपए कमाना ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे।
ये 1 2 3 हो चुका यहाँ पे। अच्छा अब ये हु इज डिटेल, आखिरी बात रह गई, आखिरी बात के बाद हम खत्म करेंगे। हु इज डिटेल क्या होती है कि किसी भी डोमेन की अगर आपने हु इज डिटेल जाननी है कि उसका ओनर कौन है, तो आप गूगल पे जाएं, हु इज डिटेल लिखें, पहला ही जो लिंक आया है वो whois.com का है, उसको आप क्लिक कर दें। उसे आप क्लिक करेंगे तो ये आ जाएंगे आप उसके अंदर। यहाँ पे जैसे ही आपने क्लिक किया होगा, आप whois की वेबसाइट पे आ जाएंगे whois.com। और जो मैंने बताया कि हमारे पास साहब आए थे publicaffairs.com को बाय करने, बड़ी तेज़ी से वो आ गए 2019 में कि मुझे publicaffairs.com बाय करनी है। तो हमने पहले तो वहाँ GoDaddy पे सर्च किया, उसके बाद whois में लिखा, और यहाँ पे सर्च का बटन मौजूद है, ग्रीन से हमने इशारा किया है, उसको दबाया तो पता चलेगा आपको कि publicaffairs.com इज नॉट अवेलेबल। तो फिर whois पे क्लिक करेंगे आप, whois पे आप क्लिक करेंगे, ये सामने whois के ऊपर व्यू पे क्लिक करेंगे whois के, तो वो जो ये देखें जी, publicaffairs.com 24th 4 1998 को रजिस्टर्ड हुई थी, एक्सपायर होना है 2023 को, और अपडेट की गई थी 2019 को, यानी 2019 को जब publicaffairs.com को उन्होंने पे किया तो 5 साल के लिए पे किया। आप डोमेन नेम 1 साल 2 साल 5 साल के लिए परचेज कर सकते हैं, 3 साल के लिए भी हो सकता है, बट 4 ईयर्स के लिए डोमेन नेम परचेज नहीं होता। ये जरा सा आप देखें तो publicaffairs.com की हु इज डिटेल, किसी भी डोमेन की हु इज डिटेल आप इस तरह जान सकते हैं कि उसका ओनर कौन है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेंट कॉन्टैक्ट में लिखा गया है कि हकीकत में सिर्फ इतना पता चल रहा है कि ये डोमेन नेम godaddy.com से परचेज की गई थी, प्राइवेसी लगी हुई है इसके ऊपर। कूल ब्लू इंटरेक्टिव कंपनी शिकागो, सॉरी जॉर्जिया में है, US में ईमेल में लिखा हुआ है कि GoDaddy से रब्ता कर लो, और टेक्निकल डिटेल में लिखा हुआ है GoDaddy से रब्ता कर दो। इसका मतलब ये है कि प्राइवेसी लगी हुई है यहाँ पर। ये आपको हु इज डिटेल्स भी समझ में आ गई होंगी। अब इस वीडियो की बुनियाद पे बड़ी आसानी से आपको समझ में नहीं आती, दोबारा देखें, साइन अप हो नेमचीप पे या GoDaddy पे, एक डोमेन नेम परचेज करें 1400 पाकिस्तानी रुपीज में या 10 US डॉलर में, आप एक डोमेन नेम के मालिक बन जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको वेब डेवलपमेंट, वेब होस्टिंग के बारे में बता रहे होंगे, बट दिस पार्ट वॉज फ्री, ये फ्री पार्ट था। बाकी हमने बता दिया कि इफ यू आर विलिंग टू डू वेब डेवलपमेंट कोर्स तो 70 US डॉलर या इक्वलेंट इन योर लोकल करेंसी हम चार्ज करेंगे, और आपको बड़ी आसानी से 12 वीडियोस के अंदर एक कंप्लीट कोर्स पैकेज मिल जाएगा, जो घर बैठे आप अपनी वेबसाइट डेवलप कर देंगे। फिर भी कहीं सवाल आएगा तो फिर आप पूछेंगे, बट वंस यू विल पे, वंस यू विल वॉच ऑल दी वीडियोस, देन यू विल बिकम एक्सपर्ट। तो कहने का मकसद, ये हमारी पहली वीडियो थी एंड दिस विल बी दी ओनली वीडियो विच विल रिमेन फ्री। इसके अलावा अगर आप वेब डेवलपमेंट में हमसे करवाने में इंटरेस्टेड हो, प्रोवाइडेड कि आपको क्लाइंट चाहिए हो, प्रोवाइडेड आपको सक्सेस चाहिए हो, प्रोवाइडेड आपको पैसे चाहिए हो, तो आप हमें हायर करेंगे। अगर आपको खूबसूरती चाहिए, किसी भी गली मोहल्ले में बैठे हुए वेब डिजाइनर को 2000 4000 5000 दीजिए, वो आपको एक खूबसूरत सी वेबसाइट बना देगा। बट हमेशा मैं बताता हूँ कि ऐसी वेबसाइट जिसपे क्लाइंट ना आ सकें, कस्टमर ना आ सकें, क्या करते हैं आप लोग उस वेबसाइट का? ख्याल रखें, सिर्फ वही वेबसाइट जो आप खुद डेवलप करेंगे, ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट, वही आपको फायदा देगी। बाकी किसी की बनाई हुई वेबसाइट फायदा नहीं देगी। कोई आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का इसलिए नहीं बताता, लाखों रुपए की कहानी है, बट हमने इस कोर्स के अंदर वो कवर किया है ताकि हर पाकिस्तानी बड़ी आसानी से, इवन इफ समबडी इज इंडियन, वो बड़ी आसानी से अपनी वेबसाइट बनाए, कारोबार करे, लाखों रुपए बनाए। बहुत शुक्रिया, भूलिएगा नहीं, डिवोर्स लॉयर सिंगापुर जो उनकी है, karachitutor.com तो मैंने बेची थी, आज की तारीख में भी कई वेबसाइट्स हम बेच रहे होते हैं, बट बेहतर ये कि अपनी वेबसाइट आप डेवलप करें, इस बिजनेस को समझें, तो लाखों रुपए बनाएंगे। बहुत शुक्रिया, ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।